गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज मेरा ये छोटा मोटा जो है ब्लॉग के तरीके का है। सुबह सबसे पहले मैं उठ के ब्रश करके और ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ क्योंकि मुझे आज जिम जाना है। तो आज छुट्टी भी है कॉलेज की, तो मैं निकल जाती हूँ। ऑलरेडी मैंने देख रखा था कल लोकेशन की, कहाँ मुझे ज्वाइन करना है। और सबसे पहले मैंने कुछ खाया नहीं था, तो फिर सबसे पहले मैंने छाछ पिया और साइकिलिंग शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे आती नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि मैं धीरे तरीके से मैं कर रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे है भाई। आता तो वैसे भी नहीं है, तो थोड़े दिन तो लगेंगे मुझे। और अच्छा लगा काफ़ी मुझे जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो एक कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, अब मेरा वेट जो है लूज़ हो सकता है या फिर मसल स्केनिंग हो सकती है। वेट जो है मेरा जब मैंने चेक किया तो 61 kg था। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने एक ग्लास जूस पिया, काफ़ी ज़ोर की भूख लगी थी, 11 बज चुके थे। तो गाइस एक लड़की को मैं दिखाती हूँ, मैं जिम से वापस आ चुकी हूँ। ये ओ और वो मैसी है, जस्ट इग्नोर इट, ऑलवेज मैसी ही रहेगा, कभी साफ़ सुथरा ऐसा वाला नहीं मिलेगा। हे गाइस, थैंक यू सो मच कि मेरे 5000 फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और ये सब आपका प्यार है कि मेरे इतने सारे जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और लगातार ही बढ़ रहे हैं। और ये आपका जो प्यार ही है जो आज मुझे एक जगह ले के जा चुका है, वो है जिम, और मुझे विवश कर दिया आपके प्यार ने। सो मेरा कोई प्लान नहीं था अभी तो जिम जाने का, सोचा था कि मैं जाऊंगी, पर इतना जल्दी मैंने सोचा, डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हाँ ठीक है चली जाऊँगी, पर मैं आज गई हूँ। और सबसे बड़ा टास्क ये है कि मुझे यहाँ से ऑटो नहीं मिल पाता है, बहुत ही आउट एरिया है। और इसके अलावा कॉलेज जाना 9 बजे, और कॉलेज जाने के पहले मुझे, वैसे तो मैं उठ जाती हूँ, उठने का मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है कि 5 बजे उठना है 4 बजे उठना है, लेकिन जाना, जिम तो आधे घंटे की दूरी पे है, पर नहीं 45 मिनट्स की दूरी पे है, पर 1 घंटे जाना, 1 घंटे जिम करना और 1 घंटे में वापस आना, ऐसे कुल मिला के 3-3.5 घंटे मेरे लग जाएंगे। और सुबह में मुझे जिम ज्वाइन करना है क्योंकि शाम में मुझसे हो नहीं पाएगा, और 9 बजे के करीब मुझे कॉलेज भी जाना होता है, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है डेली जाना। और ट्रैफिक, आज भी मैं गई थी तो ट्रैफिक थे रास्ते में, तो मैं सोच रही थी कि क्या पता आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज तो कॉलेज की छुट्टी है सभी जगह, और रास्ते में आज फेस्टिवल भी है करवा चौथ वाली, तो फिर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि मैंने जब जिम वाले से बात किया तो फिर ये हो गया कि कल से आइएगा, पर मुझे तो आज ही से ज्वाइन करना था, तो मैं आज ही चली गई और आज किया मैंने, अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो है वहाँ पे, मुझे नाम तो वैसे भी नहीं पता रहता है, बस मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ तो थोड़े बहुत मुझे नाम पता चले हैं। और अच्छा, एक और चीज़ मेरे साथ ये चीज़ हो गया कि मैंने जब स्टार्टिंग इस जर्नी को किया था स्टार्ट, तो मतलब 60 के करीब या 59 के ही करीब था, पर मैंने वापस से अपना वज़न जो है चेक किया तो 61 दिखा रहा था, तो घटने की वजह शायद मुझे लग रहा है बढ़ गया है, पर या फिर हो सकता है कि वो जो टूल्स है वो ख़राब है, क्योंकि जिससे मैंने मेज़र किया था, जिस मशीन से, वो कॉलेज में था, पर अभी जो मैंने किया मैनुअल करूँ तो ही अच्छा होता है। फिर तो 61 है, देखते हैं। तो जिम तो ज्वाइन कर लिया है मैंने, और आप सबका ये प्यार है कि आपके प्यार ने मुझे विवश कर दिया जाने के लिए जिम, और अभी तो कोई प्लानिंग ही नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ ऑटो का इशू, सुबह में टाइमिंग का इशू, ट्रैफिक, वापस आना, और इसके साथ साथ मेरे पैसे खर्च होने का भी इशू। तो खर्च जो है बढ़ चुका है डाइट में और जिम में देना और आने जाने का सब मिला के, तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो इस जर्नी को जो है एंजॉय कर रही हूँ, पर देखते हैं, कंटिन्यू रखेंगे और आपके साथ साथ मुझे भी इस जर्नी का और इस जर्नी के रिजल्ट का वेट रहेगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। और लगातार मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और आप सबका ही प्यार है, और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए।